हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आशीष मोटो हब में। आज हम फिर से निसान मैग्नाइट के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि निसान की टॉप सेलिंग सब कॉम्पैक्ट एसयूवी कार है। और आज हम एक ऐसे वेरिएंट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि अभी लेटेस्ट लॉन्च किया गया था, और टॉप और बेस के बीच में जो है एक वेरिएंट बनाया गया जिसमें कि आपको कुछ फीचर्स और भी एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। तो आज इसी के बारे में हम कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे, एक्सटीरियर लेकर इंटीरियर तक, इंजन, फीचर्स, देन प्राइस के बारे में। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कलर ऑप्शन से। तो इसमें आपको ब्राउन, सिल्वर, वाइट, ब्लैक, रेड, ब्लू, ये आपको कलर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। वेरिएंट्स की बात कर लें तो इसमें आपको XE, XL, XV, Executive, XV और XV प्रीमियम, ये वेरिएंट्स यहाँ पे आपको ऑफर किए जाते हैं। एंड अभी यहाँ पे XV Executive वेरिएंट को देख रहे हैं जो कि XL और XV के बीच का वेरिएंट है। तो आज इसमें देखेंगे क्या क्या फीचर्स आपको मिल जाते हैं XV Executive वेरिएंट में। एंड इसमें आपको मैनुअल और सीवीटी दोनों ही ट्रांसमिशन देखने को मिल जाएंगे, ये खाली पेट्रोल में आती है। एंड इसमें आपको कोई डीजल का ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया जाता है। निसान मैग्नाइट में आपको 2 साल और 50,000 किलोमीटर की वारंटी मिल जाती है निसान की तरफ से, ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। एंड टर्निंग रेडियस की बात कीजिए तो 5 मीटर की मिलती है। की की बात करें तो एक्जीक्यूटिव में आपको ऐसी कुछ की मिलती है, सेंट्रल लॉकिंग वाली, लॉक अनलॉक के बटन मिल जाते हैं, पीछे निसान की ब्रांडिंग। अब चलिए बात करते हैं एक्सटीरियर से कि एक्सटीरियर में क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे एक्जीक्यूटिव वेरिएंट में। एंड सामने से अगर आप बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पे निसान का नया लोगो। एंड अगर ग्रिल की बात करें तो ग्रिल आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्रोम इंसर्ट्स मिल जाते हैं जो कि इसके लुक्स को और भी इन्हेंस कर देते हैं। यहाँ पे ग्रे फिनिश आपको मिल जाती है, नीचे आपको सिल्वर फिनिश में स्किट पेट दी गई है। एंड अगर आप हेडलैम्प यूनिट की बात करें तो यहाँ पे आपको हेलोजन सेटअप यहाँ पे दिया गया है। एंड टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट भी आपको इसी में मिल जाती है। एंड एग्जीक्यूटिव वेरिएंट में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको हेलोजन सेटअप ही मिलता है। एंड अगर उसी के नीचे अगर हम बात करें तो नीचे भी आप देख सकते हैं आपको क्रोम ट्रीटमेंट यहाँ पे दिया गया है, कोई DRS आपको नहीं मिलते हैं। XV वेरिएंट में आपको यहाँ पे DRS देखने को मिल जाएंगे, नीचे आपको फॉग लैंप्स भी नहीं ऑफर किए गए, XV वेरिएंट में आपको फॉग लैंप्स ही दिए जाते हैं। तो कुछ फीचर्स यहाँ पे आपको कट डाउन किए जाते हैं। एंड अगर साइड से बात करें तो यहाँ पे आपको टोइंग हुक का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो ये थे ओवरऑल गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल। एंड ऊपर से बात करें तो ऊपर से अभी आप देख सकते हैं एंड यहाँ पे आपको वाइपर मिल जाते हैं वॉशर के साथ में, ऊपर आपको रूफ रेल्स दी गई हैं, बोनट एरिया भी आप देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया क्रीजेस यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे जिससे कि लुक्स और भी इन्हेंस हो जाते हैं। फ्रंट के बाद अब बात करते हैं गाड़ी के साइड प्रोफाइल की। तो यहाँ पे आपको 16 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स ऑफर किए गए। एंड यहाँ पे डुअल टोन कलर में आपको मिल जाते हैं, यहाँ पे निसान की आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। सस्पेंशन का ट्रेवल इतना कुछ यहाँ पे दिया गया है। एंड अगर टायर सेक्शन की बात कर लें तो इसमें आपको 195/60R16 का आपको पूरा टायर सेक्शन देखने को मिल जाएगा। एंड XV वेरिएंट में भी आपको डायमंड कट अलॉय व्हील्स ऑफर किए जाते हैं। XL वेरिएंट में आपको यहाँ पे व्हील कवर्स मिलते हैं, ऊपर आपको यहाँ पे क्लैडिंग देखने को मिल जाएगी। तो XV एग्जीक्यूटिव वेरिएंट में आपको अलॉय व्हील्स ऑफर किए जाते हैं, ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। एंड अगर यहाँ पे देख सकते हैं तो निसान मैग्नाइट की आपको बैजिंग देखने को मिल जाएगी। एंड यहाँ पे जो ORBM दिया गया है आपको यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश में दिया गया है। टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट भी आपको इसी में मिल जाती है। एंड ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ORBMs यहाँ पे आपको दिए गए हैं, ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। तो पूरा साइड प्रोफाइल अभी आप देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया फिनिश यहाँ पे आपको दी गई है। गाड़ी के लेंथ की बात करें तो 3.9 मीटर लेंथ रखी गई है, विड्थ की बात करें तो 1.7 मीटर है, और हाइट की बात करें तो 1.5 मीटर आपको हाइट मिल जाती है। तो स्पेस आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाता है निसान मैग्नाइट में। ए पिलर आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ यहाँ पे ऑफर किया गया है। एंड बी पिलर भी आपको यहाँ पे ब्लैक फिनिश में दिया गया है जिससे कि और भी स्पोर्टी लगती है देखने में। ऊपर आपको रूफ रेस दी गई है, पावर एंटीना मिल जाता है पीछे। तो ये था साइड प्रोफाइल, आप चलते हैं रियर प्रोफाइल पे और रियर प्रोफाइल देखते हैं। तो ऐसे कुछ आपको पीछे डायमंड कट अलॉय व्हील्स आपको दिए गए, निसान की ब्रांडिंग मिल जाती है। एंड ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पीछे भी आपको क्लैडिंग दी गई है। ऐसा कुछ आपको फील्ड दिया गया। कैपेसिटी की बात करें तो 40 लीटर की आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है निसान मैग्नाइट में। अब चलते हैं ओवरऑल रियर प्रोफाइल को देखते हैं। ऊपर आप देख सकते हैं ऊपर पावर एंटीना आपको मिल जाता है। टेल लैंप्स की बात की जाए तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पे टेल लैंप्स ऑफर किए गए। इनका डिज़ाइन और साइज़ भी काफ़ी बढ़िया रखा गया गाड़ी के साइज़ के हिसाब से। एंड ये काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं देखने में। एंड इनका रोड प्रेजेंस भी काफ़ी बढ़िया मिलता है आपको रात में। ऊपर की बात करें तो आपको पावर एंटीना मिल जाता है, रूफ रेल्स दी गई हैं। एंड उसी के नीचे बात करें तो आप यहाँ पे आपको स्पॉयलर मिल जाता है, यहाँ पे हाई माउंट स्टॉप लैम्प, वॉशर एंड आपको डीप फॉगर, वाइपर एंड देख सकते हैं पूरे फीचर्स मिल जाते हैं। निसान का नया लोगो, मैग्नाइट की बैजिंग आपको देखने को मिल जाएगी। एंड यहाँ पे आपको टर्बो की बैजिंग मिल जाएगी बिकॉज ये टर्बो वेरियंट है। एंड उसी के नीचे बात करें तो आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर दिए गए हैं। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर्स और सिल्वर फिनिश में आपको यहाँ पे पीछे भी स्किड प्लेट दी गई है जो कि इसके बम्पर को और भी बेहतरीन बना देती है। तो ये था ओवरऑल रियर प्रोफाइल XV एग्जीक्यूटिव वेरिएंट का। चलिए गाड़ी का बूट खोलते हैं और आपको बूट स्पेस दिखाते हैं।
तो मैग्नाइट के बूट स्पेस की अगर हम बात करें तो इसमें आपको 336 लीटर का बूट स्पेस ऑफर किया जाता है। एंड पूरा स्पेस आप देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको लोडिंग लिफ्ट देखने को मिल जाएगा, जैसे कि सामान रखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे आपको 15 इंच का जो है स्टीलिंग यहाँ पे ऑफर किया गया है। स्पेयर व्हील के साथ में यहाँ पे हुक्स मिल जाते हैं आपको, एंड इधर भी आपको हुक्स दिए गए। इसमें आपको 60-40 सीट्स मिल जाती हैं, ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। ऊपर आपको पार्सल ट्रे दी गई है जिसको आप रिमूव भी कर सकते हैं। इन लीवर्स के थ्रू अपनी सीट्स को आप फोल्ड भी कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा स्पेस की नीड है। सीट फोल्ड होने के बाद इसमें आपको 690 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। तो चलिए गाड़ी का बूट करते हैं बंद और चलते हैं पीछे की सीट्स पे और देखते हैं क्या क्या फीचर्स आपको मिलते हैं। तो अभी आप ये पूरा साइड प्रोफाइल देख रहे हैं निसान मैग्नाइट का। तो यहाँ पे आपको बॉडी कलर डोर हैंडल में जाते हैं। एक्सवी वेरियंट में जाएंगे तो यहाँ पे आपको क्रोम ट्रीटमेंट के साथ ऑफर किए जाते हैं। डोर पैनल की बात करें तो ऐसा कुछ आपको डुअल टोन कलर में पूरा डोर पैनल ऑफर किया गया है। यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश में डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। पावर विंडो के कंट्रोल्स, यहाँ पे आपको फैब्रिक टच देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे सिल्वर इंसर्ट्स मिल जाते हैं। नीचे स्पीकर की प्लेसमेंट, डोर पॉकेट्स, यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक का बटन दिया गया है। रियर कैबिन की बात करें तो रियर कैबिन ऐसा कुछ आपको पूरा मिलता है। दो हेडरेस्ट दिए गए जो कि एडजस्टेबल हैं। बीच में आपको आर्मरेस्ट भी दिया गया है, ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। कप होल्डर भी आपको मिल जाता है। चलिए अंदर बैठते हैं, अंदर से पूरा लेगरूम चेक करते हैं। तो लेग रूम की अगर बात करें तो इतना कुछ स्पेस आपको मिल जाता है। मेरी हाइट 5'8" है, उसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं कितना का स्पेस आपको मिलेगा। एंड काफ़ी कंफर्टेबली बैठा हूँ। पीछे आपको यहाँ पे कोई एसी वेंट्स ऑफर नहीं किए गए XQ2 वेरिएंट में। एंड पूरा आप ऊपर ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं कोट हुक के साथ में। दो हेडरेस्ट दिए गए जो कि एडजस्टेबल हैं। पीछे आपको पार्सल ट्रे मिल जाती है। यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट दिया गया जिसमें दो कप होल्डर मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे आपको मोबाइल भी रख सकते हैं आप। एक्सेल वेरिएंट में आपको ये आर्मरेस्ट यहाँ पे ऑफर नहीं किया जाता है। पीछे आपको पार्सल ट्रे दी गई है। एंड ऐसा कुछ दिखता है फ्रंट डैशबोर्ड XV एग्जीक्यूटिव वेरिएंट का। एंड इसमें आपको कुछ चेंजेस देखने को मिल जाएंगे बिकॉज इसमें XV वेरिएंट में आपको टच इंफोटेनमेंट मिलता है। इसमें आपको 2D का ऑडियो सिस्टम दिया गया है। एंड ऊपर आपको यहाँ पे रीडिंग लाइट्स दी गई हैं। स्टीयरिंग में सारे कंट्रोल्स आप देख सकते हैं। अब चलते हैं आगे की सीट्स पे और सारे फीचर्स कवर करते हैं। तो यहाँ पे आपको कोई कीलेस एंट्री वगैरह नहीं मिलती है। एंड डोर पैनल की बात करें तो ऐसा कुछ आपको पूरा डोर पैनल दिया गया है डुअल टोन कलर में। एंड यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश में डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। पावर विंडो के कंट्रोल्स एंड ORVM को एडजस्ट करने के, ORVM को फोल्ड करने का कंट्रोल यहाँ पे दिए गए। एंड यहाँ पे आपको फैब्रिक टच, लॉक अनलॉक का बटन, नीचे आपको स्पीकर की प्लेसमेंट दी गई। यहाँ पे बॉटल होल्डर, डोर पॉकेट्स मिल जाती हैं। अब चलते हैं फ्रंट कैबिन की तरफ। तो ऐसा कुछ आपको पूरा यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट दिया गया है। अभी आप पूरा फ्रंट डैशबोर्ड को देख सकते हैं। यहाँ पे आपको डुअल टोन कलर में पूरा डैशबोर्ड दिया गया है, बेज एंड ब्लैक कलर में। यहाँ पे आपको फैब्रिक अपॉस्टी मिल जाती है निसान मैग्नाइट में। यहाँ से हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से रिक्लाइन कर सकते हैं सीट्स को। नीचे आपको फील्ड ओपनर दिया गया है। यहाँ पे आपको मैनुअल पैडल्स, ABC पैडल्स मिल जाते हैं। यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल एंड यहाँ पे आपको हेडलाइट लेवलर दिया गया है। AC के वेंट्स जो कि लैम्बोर्गिनी शेप में आपको मिलते हैं। चलिए अंदर बैठते हैं, सारे फीचर्स कवर करते हैं। तो अभी यहाँ पे निसान मैग्नाइट XV एग्जीक्यूटिव वेरिएंट का पूरा डैशबोर्ड इंटीरियर को देख रहे हैं। चलिए गाड़ी को ऑन करते हैं, दिखाते हैं आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो ऐसे कुछ आपको फिजिकल की मिल जाती है XV एग्जीक्यूटिव वेरिएंट में। अगर आप XV लेते हैं तो उसमें आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है। एंड इसमें आपको देख सकते हैं ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है जो कि डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मिलता है। बीच में आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है, साइड में आपको RPM मीटर दिया गया है। एंड सारी चेकलाइट्स आपको मिल जाती है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। एंड अगर आप XV वेरिएंट लेते हैं तो उसमें आपको TFT पूरा डिस्प्ले यहाँ पे मिलता है। एंड इस MID को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ट्रिप ए, ट्रिप बी, माइलेज, रेंज सब यहाँ से आप देख सकते हैं। एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बाद आप बात करते हैं स्टेयरिंग की। तो ऐसा कुछ आपको स्टेयरिंग यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आपको 2D के ऑडियो सिस्टम के कंट्रोल, निशान की ब्रांडिंग एंड यहाँ पे आपको कॉल से रिलेटेड कंट्रोल मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको सिल्वर इंसर्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं स्टेयरिंग में। यहाँ पे आपको वाइपर से रिलेटेड कंट्रोल मिल जाते हैं। एंड इधर आपको हेडलैम्प से रिलेटेड कंट्रोल दिए गए। एंड इस स्टेयरिंग को आप इस लीवर के थ्रू टिल्ट एडजस्ट कर सकते हैं ऊपर नीचे। टेलीस्कोपिक का कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया गया है। स्टेयरिंग के बाद अब बात करते हैं गाड़ी के सेंटर कंसोल की। तो ऊपर आपको AC के वेंट्स मिल जाते हैं। एंड देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया फिनिश में। यहाँ पे आपको 2D का ऑडियो सिस्टम यहाँ पे आपको ऑफर किया गया है।
अगर आप एक्सवी वेरिएंट लेते हैं तो उसमें आपको यहाँ पे 7 इंच का टच इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, एंड यहाँ पे आपको टूरिन का ऑडियो सिस्टम दिया गया है, यहाँ पे आपको हेजलाइट का बटन मिल जाता है, एंड यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक बटन, डिफॉगर, एंड यहाँ पे देख सकते हैं आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है एक्सवी एग्जीक्यूटिव वेरिएंट में। यहाँ पे कुछ स्पेस दी गई है, एंड उसी के नीचे बात करें तो यहाँ पे आपको 12 वी का चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, एंड उसी के बगल में अच्छी खासी स्पेस और भी मिल जाती है आपको। एंड अभी यहाँ पे मैनुअल ट्रांसमिशन को देख रहे हैं, ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन है, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है ये, सीवीटी का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। यहाँ पे सिल्वर इंसर्ट्स, मैनुअल हैंड ब्रेक, 2 कप होल्डर दिए गए, पीछे भी अच्छी खासी स्पेस आपको मिल जाती है। एंड ग्लव बॉक्स की बात करें तो इसमें आपको 10 लीटर का ग्लव बॉक्स यहाँ पे दिया गया है, काफ़ी डीप स्पेस आपको मिल जाता है इसके ग्लव बॉक्स में। एंड डैशबोर्ड पे आपको बेज कलर की फिनिश दी गई है, एंड प्लास्टिक भी काफ़ी अच्छा यूज़ किया गया है। एंड ऊपर की बात करें तो यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है कवर के साथ में, एंड इधर आपको कोई वैनिटी मिरर नहीं दिया गया है। यहाँ पे आपको लाइट्स रिलेटेड कंट्रोल मिल जाते हैं, माइक की प्लेसमेंट दी गई है, यहाँ पे आपको मैनुअल डे नाइट IRVM। विजिबिलिटी की बात करें तो अच्छी खासी विजिबिलिटी आपको मिल जाती है, बम्पर टू बम्पर कार को ड्राइव कर सकते हैं, अंदर से पूरा बोनट आपको विजिबल होता है। तो ये था XV एग्जीक्यूटिव वेरिएंट का पूरा इंटीरियर डैशबोर्ड। चली गाड़ी को ऑफ करते हैं, बात करते हैं सेफ्टी फीचर्स और प्राइसिंग की। तो इसमें आपको ABS विजिबिलिटी, ब्रेक असिस्ट, सेंट्रल लॉकिंग, पाउडर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स, एंटी थेट अलार्म, सीट बेल्ट वार्निंग, ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, इंजन इमोबिलाइजर, क्रैश सेंसर, एंटी थेट डिवाइस, स्पीड अलर्ट, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, आइसोफिक चाइल्ड सीट माउंट, इंपैक्ट सेंसिंग, ऑटो डोर अनलॉक, और इसमें आपको 2 एयरबैग्स मिल जाते हैं। प्राइसिंग की बात करें तो 5,76,000 एक्स शोरूम से स्टार्ट होती है, और इसका टॉप वेरिएंट 10,15,000 एक्स शोरूम तक जाता है। एंड अभी यहाँ पे XV एग्जीक्यूटिव वेरिएंट को देख रहे हैं, अगर इसके प्राइसिंग की हम अगर बात करें तो आप अगर इसको नॉन टर्बो में लेते हैं तो 6,91,000 इसका एक्स शोरूम प्राइस है, और ऑन रोड लखनऊ की बात करें तो 7,93,000 का ऑन रोड लखनऊ पड़ जाता है। अगर आप एक्सटेंडेड वारंटी वगैरह लेते हैं तो प्राइस और इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर आप टर्बो वेरिएंट लेते हैं तो 9,18,000 का ऑन रोड लखनऊ पड़ जाता है। तो ये थी निसान मैग्नाइट अपने सेगमेंट की सब कॉम्पैक्ट SUV कार। कैसी लगी आपको कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड स्पेशल थैंक्स टू ड्रीम निसान आलमबाग लखनऊ जिन्होंने मुझे इसे कवर करने का मौका दिया। तो डील एनी निसान कार्स, विजिट दिस शोरूम, डिस्क्रिप्शन में आपको सारी कॉन्टैक्ट डिटेल दी गई है, कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए कार्स रिलेटेड वीडियो मैं लाता रहता हूँ। तो मैं आपसे मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।